आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने पंजाब रेजिमेंटल सेंटर का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने एक पूर्वाकार तकरीब इंस्पेक्टर जनरल आर्म्स लेफ्टिनेंट जनरल माजिद हसन को कर्नल कमांडेंट पंजाब रेजिमेंट के बैजेस लगाए। तकरीब में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद बेग मिर्जा समेत बड़ी तादाद में फौजी अफसरों और जवानों ने शिरकत की। पाकिस्तान ने अफगान अमन अमल को आसान बनाने में नुमायां करदार अदा किया। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के खिलाफ भारतीय मजालिम को आलमी सतह पर उजागर करके दुनिया को इसका असली चेहरा दिखाने की ज़रूरत है। आलमी बरादरी इस्लामोफोबिया से निपटने और नफरत अंगेज तकारीर के हौसला शिकनी के लिए संजीदा इकदाम करे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की अक़वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तहक़ीक़ सैयद फ़ख़र इमाम का मैंगो फेस्टिवल से खिताब। पाकिस्तान आम की दुनिया में बहुत मांग है। रवां साल से अब तक 18,000 टन आम बरामद कर चुका। गुज़श्ता साल 1,48,000 आम बरामद किए गए। वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर का खड़ी शरीफ आज़ाद कश्मीर में आवामी इज्तमा से खिताब। मौजूदा हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के आवाम के लिए रिकॉर्ड तरक्याती फंड्स मुख्तस किए। माजी की दो जमातों ने आज़ाद कश्मीर के वसाइल बुरी तरह लूटे। आज़ाद कश्मीर के बाशऊर आवाम बदउदमान टोले को किसी सूरत मुंतखब नहीं करेंगे। नहीं चाहते कि आने वाली नस्लें भी इन दो खानदानों के गुलाम बने। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में दोनों लुटेरी जमातों को इबरतनाक शिकस्त देंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि बैरून ममालिक मकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा हैं जो मुल्की मुआशी तरक्की में अहम करदार अदा कर रहे हैं। हुकूमत इन्हें वोट का हक देना चाहती है लेकिन ऑपोजिशन इसमें रुकावट बन रही है। मुल्तान में अपने हल्के इंतखाबात के दौरे के मौके पर मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातों और इस्तकबालिया तकरीर से खिताब करते हुए इनका कहना था कि पाकिस्तान अमरीका से बराबरी की सतह पर ताल्लुकात का ख्वाह है। वज़ीर आज़म इमरान खान से आज़रबाईजान के सफ़ीर अली अलज़ाद ने अलविदाई मुलाकात की। आज़री सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को आज़रबाईजान के सदर अलहाम अलियूफ की तरफ से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाते हुए नगोर्नो कारबाख और मकबूजा इलाकों की हालिया आज़ादी पर पाकिस्तान की मुस्तकिल हमायत पर शुक्रिया अदा किया। रावलपिंडी में चूहों की भरमार, शहरियों की जिंदगी बबाल, अस्पताल भर गए। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों के खिलाफ भी सख्त इकदाम जारी। बलोचिस्तान में कई लीवी एहलकारों को कोरोना वैक्सीन ना लगवाने पर मुअत्तल कर दिया गया। अमेरिका ने पाकिस्तान और तुर्की को बच्चों को फौज में भर्ती करने वाले ममालिक की लिस्ट में शामिल कर दिया। पाबंदियों का इम्कान। FBR ने टैक्स वसूली में तारीख रकम कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की FBR की कारकर्दगी की तारीफ। सिविल एविएशन अथॉरिटी का बड़ा फैसला, पाकिस्तानी पायलट्स को लाइसेंस जारी करने के लिए इम्तहान अब बरतानवी कंपनी लेगी। मकामी फ्लाइंग स्कूल्स की पायलट्स लाइसेंस इम्तहान बरतानवी कंपनी को ठेके पर देने की मुखालफत। शहबाज शरीफ ने कहा अगर इमरान खान मीटिंग में आए तो वो बायकॉट करेंगे। फवाद चौधरी झूठ बोल रहे हैं, सबूत दें। मरियम औरंगजेब ने फवाद चौधरी के शहबाज शरीफ से मुतालिक बयान को झूठ करार दे दिया। सिंध ने गदा गाड़ी रेस को अपना सकाफती खेल करार दे दिया। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलस्तां क्या होगा। हुकूमत समझती है कि मेरे जाने से कानून बदल जाएगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, कासिम खान की रिटायरमेंट से कबल आखिरी समात। पुलिस के वर्दी में मुलबूस लोग मेरी जासूसी कर रहे हैं। हरीम शाह मेकअप आर्टिस्ट ने किक्स के कहने पर हरीम शाह के ब्राइडल शूट के लिए मेकअप कराने का बयान दिया था। जानिए
अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आप तमाम लोगों से एक ही तमाश है, एक ही रिक्वेस्ट है कि गैर मुसद्दिका न्यूज मेरी मेरे बारे में ना फैलाई जाए। और मैं तो बड़ी हैरान हूँ कि मेरे इंस्टाग्राम का विजिट किया जा रहा है और वहाँ से अगर मैंने किसी बॉलर का विजिट किया हुआ है या किसी से मैंने मेकअप कराया हुआ है या कुछ किया हुआ है तो वहाँ से वो लोग जो है तो उन बॉलर्स में पहुँच रहे हैं, फिर उनसे डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे आई थी शूट किए, क्या पैसे लिए, क्या मुआवजा लिए, और वो भी आगे से अपनी प्रमोशन के लिए, वहाँ के जो ऑनर्स हैं या जो भी लोग हैं वो अपनी प्रमोशन के लिए अपना नाम मीडिया में लाने की वजह से जो है तो आपने से झूठी बातें बता रहे हैं और आपने से झूठी मनगढ़ंत बातें जिसमें कोई हकीकत नहीं है। मैं आप सबसे इल्तमास करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कोई भी न्यूज़ आपको फैलानी है उससे पहले मुझसे तस्दीक करें। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर हम किसी कॉलर में जाते हैं तो ये हमारी वो होती है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज, अस्पताल में दाखिल। बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद से, बख्तावर दुबई से कराची पहुंच गई।